मैं आप सबसे विनती है, निवेदन है, हमने एक पिक्चर बनाई है भूत अंकल तुसी ग्रेट हो, जो काफ़ी इन्होंने इंटरव्यू कवर किए, और मैं दिल से बोल रहा हूँ आपको सर, आप जरूर पिक्चर देखें। इससे आप लोग अच्छी फिल्में देखेंगे तो अच्छे फिल्में बनाने वालों का हौसला बढ़ता है। प्यार झुकता नहीं, तेरी मेहरबानियाँ, नसीब अपना अपना, आज का अर्जुन, फूल बने अंगारे, हम तुम्हारे सनम, सारी पिक्चरों का म्यूज़िक अच्छा रहा। 60 फिल्में हम लोगों ने बनाई तो उसमें 50 चली होगी, 50 ईयर्स हो गया। हिंदुस्तान का कोई एक्टर ऐसा नहीं जिसने हमारे साथ काम नहीं किया। अभी मेरा 50 ईयर सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो 100 एक्टरों की लिस्ट है, तो अच्छा सबके साथ काम किया, अच्छी फिल्में बनाई, आप लोगों ने हमेशा अच्छी फिल्मों को देखा, एक किसी बुकड़िया को रेस्पेक्ट दिया। मैं तो बहुत ऑर्डिनरी फैमिली, छोटा गांव से उठ के आया हुआ आदमी हूँ, फिल्म लाइन में आया हूँ, आप लोगों ने, जनता जनार्दन, पब्लिक, प्रेस, आप सब ने मुझे इज्जत बख्शी है। वो फिल्में मैंने बनाई और अच्छी फिल्में बनाने की कोशिश की है। रवि, ये भूत अंकल, आप मुझ पर भरोसा करें, आप रियली दिल से मुझे धन्यवाद बोलेंगे, इतना बोल सकता हूँ। हेलो नमस्ते, सत श्रीकाल आप दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त हरदीप दुआर, तुसी देख रहे हो लुधियाना लाइव। सो दोस्तों, मैं मनवाओ लेके जा रहे हैं अपकमिंग पंजाबी मूवी भूत अंकल तुसी ग्रेट हो, उन्होंने डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर यानी कि केसी बुकाड़िया जी। सत श्रीकाल सर, एंड वेलकम टू लुधियाना लाइव। सत श्री अकाल जी, नमस्ते सर, कैसा लग रहा है लुधियाना? लुधियाना तो मैं आया हुआ हूँ बहुत, यहाँ वो हीरा लाल जी हमारे दोस्त है, आत्म स्कूल वाले, हाँ, बट आप लोगों से मिलके अच्छा लगा सबसे। तो मैं आप सबसे विनती है, निवेदन है, हमने एक पिक्चर बनाई है भूत अंकल तुसी ग्रेट हो, जो काफ़ी इन्होंने इंटरव्यू कवर किए, और मैं दिल से बोल रहा हूँ आपको सर, आप जरूर पिक्चर देखें। इससे आप लोग अच्छी फिल्में देखेंगे तो अच्छे फिल्में बनाने वालों का हौसला बढ़ता है वो जाके, और बाकी अदरवाइज तो आपको नहीं पसंद क्या, हमको भी नहीं पसंद आती है फिल्म के ट्रेड वाले होके भी, कोई सरपा भी नहीं है पिक्चर क्यों शुरू की है, क्यों कंप्लीट की है। और पिक्चर में हमने हमेशा, इतने मेरे 50 ईयर का तजुर्बा, एक पिक्चर में आत्मा ही म्यूज़िक होती है, और आज के लोगों ने म्यूज़िक का ऐसा सत्यानाश बेड़ा गर्क कर दिया, म्यूज़िक नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ढा ढा ढा, इधर का म्यूज़िक उधर डाल दो, उधर का कुछ फर्क नहीं है। तो मेरे पिक्चर में हमेशा अच्छा म्यूज़िक रहा। आप चाहे दर्शकों को आप थोड़ा सा प्रोफाइल अपने बारे में बताइए। आप प्यार झुकता नहीं, तेरी मेहरबानियाँ, नसीब अपना अपना, आज का अर्जुन, फूल बने अंगारे, हम तुम्हारे सनम, सारी पिक्चरों का म्यूज़िक अच्छा रहा। 60 फिल्में हम लोगों ने बनाई तो उसमें 50 चली होगी, 50 ईयर्स हो गया। हिंदुस्तान का कोई एक्टर ऐसा नहीं जिसने हमारे साथ काम नहीं किया, चाहे वो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, रजनीकांत, सलमान खान, अक्षय कुमार, सनी देओल, अभय, अजय देवगन, बहुत, मनोज कुमार, संजीव कुमार, विनोद खन्ना, राजकुमार, क्या नाम लूँ। अभी मेरा 50 ईयर सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो 100 एक्टरों की लिस्ट है, तो अच्छा सबके साथ काम किया, अच्छी फिल्में बनाई, आप लोगों ने हमेशा अच्छी फिल्मों को देखा, एक किसी बुकड़िया को रेस्पेक्ट दिया। मैं तो बहुत ऑर्डिनरी फैमिली, छोटा गांव से उठ के आया हुआ आदमी हूँ, फिल्म लाइन में आया हूँ, आप लोगों ने, जनता जनार्दन, पब्लिक, प्रेस, आप सब ने मुझे इज्जत बख्शी है, उसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर। वो शॉर्ट में पूछूंगा कि किस प्रकार से आप छोटे से गांव पे फिल्म इंडस्ट्री तक आए। वो बहुत आ गया सर, मैं तो एक राजस्थान में, एक मेड़ता सिटी गाँव है, वहाँ से आया था, और 1972 में पहली फिल्म रिवाज बनाई थी, संजीव कुमार, माला सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, सेकंड फिल्म फिरोज खान, नीतू सिंह, धर्मेंद्र, चुनौती, फिर प्यार झुकता नहीं बनी 85 में, फिर तो वन साइडेड रहा, प्यार झुकता नहीं, सुपर 8, तेरी मेहरबानी, हाँ, सुपर 8, नसीब अपना अपना, आज का अर्जुन, मैदान जंग, जवाब हम देंगे, जनता की अदालत, हर एक्टर के साथ काम किया। रजनीकांत जो इतना बड़ा हिंदुस्तान का एक्टर है, उसके साथ मैं 5 पिक्चर किया, अमिताभ बच्चन के साथ 2 पिक्चर किया, अजय देवगन के साथ 2 पिक्चर किया, सनी देओल के साथ 2-3 पिक्चर किया, ये धर्म जी, मिथुन जी, ये सब इनके साथ तो 10-10, 15-15 पिक्चरें की है, 60 फिल्म का कैरियर है, और अच्छी फिल्में बनाई हमेशा, जो फिल्में पब्लिक फैमिली के साथ देख सके वो फिल्में मैंने बनाई और अच्छी फिल्में बनाने की कोशिश की है। रवि, ये भूत अंकल, आप मुझ पर भरोसा करें, आप रियली दिल से मुझे धन्यवाद बोलेंगे, इतना बोल सकता हूँ। बिल्कुल सर, आपने अमरीश पुरी जी की बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अमरीश पुरी जी का तो बहुत पिक्चरें की, बहुत हमारा बहुत फैमिली रिश्ता था, वो बहुत अच्छा आदमी था और अच्छा एक्टर भी था,
और जल्दी चला गया। तो ऐसे हर एक्टर के साथ, धर्म जी के साथ 10 पिक्चर किए, मिथुन चक्रवर्ती के 8-10 पिक्चर तो आम किए मैंने, जैकी श्रॉफ के साथ, सबके साथ। और बस आपके दिल के पास कौन सी फिल्म बहुत अच्छी है? दिल के करीब भूत अंकल तू सिगरेट। ओके, अगर बात करें कंसेप्ट कैसे आए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होने वाली है आज के समय में। अगर बात करें तो गूगल पे जब कोई सर्च करेगा कि पंजाबी इंडस्ट्री की हॉरर मूवी कौन सी है, तो सबसे पहले आएगा कि भूत अंकल तू सिगरेट। सर ये नॉट हॉरर, हॉरर दो तरह के होते हैं सर, एक तो डराने वाला, और आज बताओ आप हमारी हॉरर पिक्चरों को आप देखो, ए सर्टिफिकेट मिलता है, यूए मिलता है, आज पिक्चर सेंसर हुई है यू सर्टिफिकेट। वो ऑफिसर ने बोला बुकड़े साहब ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, इसलिए मैं एक फ्रेम भी नहीं काटूंगा। और फिर गुरु गोविंद सिंह जी को, भाई गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को इतना बढ़िया हम रेस्पेक्टफुली फिल्म में लेके आए, और आप लोग हाईली अप्रिशिएट करोगे, बोलोगे मज़ा आ गया साहब। मैं मतलब गुरु गोविंद सिंह जी के असर बारे में बहुत पढ़ा मैंने, और बहुत उनके बारे में जाना, और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा। मैं अगर मैं भले ही जैन सा हूँ, लेकिन अगर मुझे आप पूछे आपका गुरु कौन है, तो मैं बोलूँगा गुरु गोविंद सिंह जी। इतना संस्कार है सरदार लोगों में, फैमिलीज में, इतना उनके तहजीब है। मैं लोकेशन देखने गया कि गांव में तो बुजुर्ग औरत थी, उसने हम पूछा बोला तुसी, वो सीधा बोले तुसी की पियोगे जी, लस्सी चाय। मैं जानता भी नहीं, तो मैं बोला सर ये है पंजाब सर, ऐसी बातें तो नहीं है, बम्बई में तो बिल्कुल भी नहीं है। और लोगों में तहजीब और वो सब प्यार मोहब्बत ख़त्म हो गई। मेरे को तो भगवान, मैं तो दिल से बोल रहा हूँ, कोई उसमें नहीं, मेरे को अगले जन्म में सरदार के घर पैदा करना है। सर आपने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी की थी फिल्म को लेकर कि आप प्रॉफिट में जाएगी फिल्म, तो कर दूंगा सर वो कोई उसमें। अनाउंसमेंट तो ये है सर कि मेरी पिक्चर का 4-5 करोड़ के बीच में लगा, और मैं दिल से बोल रहा हूँ कमाने के लिए मेरा बम्बई फिल्म लाइन में। अभी भी हमारी हिंदी की 3-4 पिक्चरें हैं, मेरे मन की भावना है सर। मेरा जितना गुरु गोविंद सिंह जी आपके गुरु हैं, मेरे भी गुरु हैं। अगर मैं ये बोलता हूँ मैं अगला जन्म किसी सरदार के घर में पैदा हूँ, इसलिए नहीं सरदार, इसलिए कि आपके इतना संस्कार, इतना कल्चर, बड़े से बड़े पैसे वाले की औरत वहाँ लंगर में खाना बनाती है, बड़े से बड़े पैसे वाला जूता साफ करके अपने आप को फ़ख्र महसूस करता है, और बड़े से बड़े इतना मतलब इतना कौमी एकता, पारिवारिक एकता, रेस्पेक्ट है, कल्चर है। ये बातें सर मैं इसलिए मैं अगर अनाउंस किया कि मैं वो प्रॉफिट दे दूंगा तो दे दूंगा सर, मैं कुछ मेरे मन में नहीं है, मेरी कीमत निकल जावे उसके बाद में जो प्रॉफिट आएगा। मैं पहला टोडरमल जैन के नाम से, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से एक अस्पताल उनके गांव में बनाऊंगा, ऐसी भावना है। मेरे हाथ में नहीं है ये सेवा करने का मौका, मुझे वाहिगुरु दे, मुझे इस लायक समझे तो मैं झोली मार के उनसे भीख मांगता हूँ कि मैं किसी अनेक काम आपके नाम से कर सकूं, तो अपने आप को सौभाग्य समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर, आपको भी और पूरी आपकी टीम। सो दोस्तों से आज करते कि तुम साढ़ा का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया लगेगा। अपने शहर इस पाए रखो, अपने माता पिता ध्यान रखो, मेरे छोटे भैन भरा पढ़ते लिखते रहन, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया सो आगे बढ़ेगा इंडिया। सो कैमरा पर्सन सेवा सिंह के नाल हरदीप दुआ नूं दिओ इजाजत, धन्यवाद।